श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्य, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्य। सद्भावना पर्व 5 के अवसर पर सद्भावना फोरम ने जो रचना की, इस अंतर्गत जो आदरणीय महानुभाव अपने अनुभव से हमें कुछ विशेष प्रेरित करने के लिए आए, सबने अपने अपने विचार रखे, इन सभी आदरणीय अतिथियों को मेरा प्रणाम। सद्भावना फोरम की पूरी टीम, भाई संजय से लेकर उसको बहुत बहुत साधुवाद। आखिरी दिन सद्भावना सम्मान से हमने मिलकर जिसकी वंदना की, वो आदरणीय जगदीश बापा, बहन जी, युवान विनय भैया, चारुल बहन, आपने हमारी वंदना कबूल की, इसलिए हम आपके ऋणी हैं, आपके आभारी हैं। ऐसे कार्यक्रमों में जब यहाँ योजित होता है, मैं अक्सर सभी बैठकों में श्रोता के रूप में बैठता हूँ। इस बार कुछ विशेष कारण उपस्थित होने के कारण मैं कल सुबह की बैठक में लाभ नहीं ले पाया और दोनों रात्रि को भी मैं लाभ नहीं ले पाया। विनय भाई, चारू बहन, मैंने सुना बहुत अच्छा कार्यक्रम रात्रि को रहा दोनों दिन का, मैं चुप गया। लेकिन कभी मैं इसका लाभ प्राप्त करूंगा। आए हुए सभी मेरे आदरणीय भाई बहन, मैं तो व्यासपीठ से राम कथा को केंद्र में रखकर बोलने वाला आदमी हूँ। बाकी समय में जहाँ अवसर मिलता है वहाँ चुपचाप श्रोता बन के सुनता हूँ, और इस श्रवण भक्ति से मुझे जो सत्य प्राप्त होता है वो सत्य को गुरु कृपा से अनुभव में लाने की कोशिश करता हूँ, और ये ठीक लगे तो फिर व्यासपीठ से उसको बांटता रहता हूँ। यहाँ मेरी बोलने की कोई मानसिकता नहीं है, इतना तो नहीं, लेकिन कम है। चाहे अस्मिता पर्व हो, संस्कृत पर्व हो, कोई न कोई कार्यक्रम यहाँ होता है तो फिर बोलना तो पड़ता है, और बोलने में कोई चिंता भी नहीं है, बोल सकता हूँ।
मुझे खबर नहीं मैं हिंदी क्यों बोलने लगा, लेकिन अब शुरू हो गया तो हो गया। तो इस समय का एक ऋषि अब नहीं रहा, विचार है रहेंगे, शताब्दियों तक रहेगा, जिसको मैं महामुनि कहता हूं, विनोबा जी। उसने भगवान बुद्ध देव के बारे में एक बात कही। कभी कभी हमारे आदरणीय नगीनदास बापा के साथ सत्संग होता रहता है, बापा ने भी कभी ये बात मुझे कोई और संदर्भ में कहीं चर्चा करते करते सुनाई है, मुझे स्मरण में, लेकिन शायद मैंने मैत्री में ये बात विनोबा जी ने कही ऐसा पढ़ा। बड़ी प्रसिद्ध बात है कि भगवान बुद्ध, बुद्ध देव, टागोर बुद्ध देव कहा करते थे, टागोर का शब्द है बुद्ध देव, वो एक किसान के घर भिक्षा लेने के लिए जाता है और किसान के मन में भिक्षु के प्रति आदर है, लेकिन प्रश्न है या तो शिकायत भी है। वो किसान भगवान बुद्ध को कहता है कि आप क्यों भीख मांगते हैं, हमारी तरह किसानी करो ना, ऐसे ही भीख मांगते रहना क्या ठीक है, कुछ करते नहीं, किसानी कर। तब बुद्ध देव ने कहा था कि मैं भी किसान हूं, मुझे पूरी वार्ता में नहीं ले जाना है, समय का भी थोड़ा मेरा वो है, लोभ भी नहीं करूंगा, लेकिन समय में अरे लोभ हम सीमित हो तो सारो, लोभ अपार ठीक नहीं। तो एक ही बात को मैं वहां से लेकर कुछ बात कहकर वाणी को विराम दूंगा। बुद्ध ने कहा कि मैं किसान हूं, पूरी वार्ता और अपने जीवन से जोड़कर उसने अपना कृषिकारपना सिद्ध किया तात्विक रूप में। तब उसने एक बात कही, मैं सद्भावना के बीज बोता हूं, ये बुद्ध का शब्द है, मैं बीज शब्द पकड़ रहा हूं। महामुनि विनोबा जी के मन में बुद्ध कथित बीज का नाम सद्भावना है। और साहब ग्रंथ साहब के संदर्भ में, कबीर साहब के संदर्भ में, मैं भी साहब शब्द बोलता रहता हूं, लेकिन आज मुझे नई दिशा मिली रति बापा ने कि ये उसका स्मरण के साथ साहब। अपने पढ़ा होगा कबीर साहब ने बहुत बड़ा दर्शन अपनी साधु कड़ी बोली में, अपनी ग्राम्य गिरा में, अपनी लोक भाषा में जगत को दी। इसका एक ग्रंथ है बीजक, बड़ा कठिन माना जाता है बीजक को समझना समझाना, एक कसौटी मानी जाती है।
लेकिन वहाँ बीज की महिमा है। हमारे मंत्र जगत में, कर्मकांड जगत में भी मंत्रों के भी कोई बीज होता है, बीज मंत्र, उसकी महिमा होती है। जो उस विज्ञान में ज्यादा जानता नहीं, लेकिन देहात में रहा हूं, जन्मा हूं, बड़ा हुआ हूं, नदी में नहाया हूं, नदी के किनारे रेते के घरौंदे बनाए हैं, गांव की स्कूल में पढ़ा हूं, नौकरी करने के लिए महुआ आया तो फिर महुआ थोड़ा बसना हुआ, लेकिन आत्मा तो गांव में रही। और जैसे मेरी कुछ ड्यूटियां, मेरा कर्तव्य भी कुछ पूरा हुआ तो मैं फिर गांव में चला गया हूँ, उसी नदी के तट पर। मैं कल से सोच रहा था कि आदरणीय राजेंद्र जी ने कहा कि सात नदी ने पुनः जीवित की। मैंने कल, हम 10 मिनट बैठे तब कहा कि मैं वादा नहीं कर सकता, वचन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं राम कथा का गायक हूँ। लोग तुरंत मुझे, एक चौपाई सबको याद है, रघुकुल रीति सदा चली आई, ये मेरे माथे पर मारते हैं। लेकिन वादा नहीं करूँगा, इंशाल्लाह मालिक ने चाहा तो। मेरी इच्छा जरूर है कि मैं कभी आपने जो नदियों को जीवित की है उसका दर्शन करने आऊँ। मेरे लिए ये नई गंगा होगी, उसका स्नान, मेरा गंगा स्नान होगा, मैं नहाऊंगा। आपके कार्य को दर्शन करके मैं प्रेरणा लूंगा और फिर तलगा जरड़ा की रूपावा नदी को सजीवन क्यों न की जाए। राजस्थान की सूखी धरती जहां कल कहा गया कि रेत भी टिकती नहीं, उड़ती रहती है, गुजरात में रेत धूल इतनी उड़ती नहीं, वहां ज्यादा ऐसा आपका निवेदन था, ऐसी धरती पर यदि नदियां जीवित हो सकती है, नहीं लगता अस्तित्व समय समय पर किसी न किसी भगीरथ को भेजता रहता है। शताब्दियों पहले, युगों पहले एक भगीरथ आया जिसने एक काम किया, तो मैं जाऊंगा ये तीर्थों को देखने के लिए, वादा नहीं किया, लेकिन 90% में सबको कहता हूँ, मेरा 90% करीब करीब 100% जैसे ही है, अने आमे देश में 90 हो मां क्या कहीं फेर रहे हो, जैसे बहुत ज्यादा फेर नहीं, 50-50 में फेर नहीं रहे हो, मैं 90-100 क्या गणो। खैर छोड़ो, अभी मूल बात थोड़ी गुजराती में कहीश। तो बाप फिर मेरे पास बात आई कि मालण, लेकिन मालण के किनारे गुरुकुल है, महुआ में मैं पढ़ा हूँ, नौकरी महुआ में की है, इसलिए मालण के साथ भी लगाव है, लेकिन रूपावा जेटलो नहीं। कवि त्रापजकर का एक दोहा है, कबूतर उड़ू कच्छ थी मुंबई आयु जोई, पण एने वालू न लाग्यू कोई वागड़ जेवू विठला। कबूतर को तो कोई प्लेन की टिकट लेनी नहीं पड़ती, कच्छ थी उड़ियू मुंबई मरीन ड्राइव ऊपर चक्कर मारी, बीजे दिवसे पाछो कच्छना वागड़ में आयु, कारण के वागड़ जेवू मुंबई वालू न लाग्यू। ज्यां अपनी निजता, हमारी खुद की निजता विकसित हुई हो, ये नदी के बारे में भी सोचा जा सकता है। तो मैं ये सब प्रेरणा प्राप्त कर रहा था, ये मेरा सुनने का अवसर है, मेरी श्रवण भक्ति है, मैं बोलता तो हूं लेकिन सुनता बहुत हूं। एक वस्तु याद रखना मेरे भाई बहन, परमात्मा सब में है, समान रूप में है, निशंक,
निराकार साकार कुछ भी कहते रहो, मानो न मानो, लेकिन जिसको हम परम तत्व कहे, परमात्मा कहे, जो नाम दो, मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन वो सब में है और समान मात्रा में है, लेकिन कुछ कुछ लोगों में ये ज्यादा प्रकट हो जाता है। मैं ये जो चर्चा सुन रहा था, विध विध क्षेत्र के लोग जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें कुछ परमात्मा ज्यादा प्रकट हो रहा है। मंदिर में तो भगवान का दर्शन करना एक श्रद्धा का क्षेत्र है, उसकी भी हम आलोचना न करें। हम मंदिर में न जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जाने वालों की आलोचना करने का हक बंधारण ने दिया नहीं है, दिया हो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि बंधारण के बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं, और जानकर भी क्या करना। देश में बंधारण के बदले संधारण होना चाहिए। विनोबा जी ने कहा था, मेरे जीवन की समग्र प्रक्रिया दिलों को जोड़ने की है, एकमात्र उद्देश्य मेरे जीवन का है दिलों को जोड़ना, दिलों को। फिर कौम, धर्म, मजहब, जाति, प्रांत, ऊंच नीच, सबको जोड़ना। मैं मेरी दृष्टि से देखता हूं तो तीन वस्तु जहां दिखाई दे वहां मुझे लगता है कि परमात्मा जरा विशेष बाहर आया है। है तो सब में, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये औपनिषदी सूत्र है। ईश्वर सर्वभूतानाम, ऐसा योगेश्वर कृष्ण ने कहा है। एक समग्र समस्त सामर्थ्य हो फिर भी जो आदमी मौन रहता हो, समझना उसमें प्रभु थोड़ा विशेष जागृत हो रहा है। बोलना पड़े तो बोलना, हजारों आफतों से वो बचे ही रहते हैं। दिल्ली के एक शायर शरफ का शेर है, हजारों आफतों से वो कायम बचे ही रहते हैं जो सुनते हैं ज्यादा और कम बोलते हैं। कई आफतों से वो बच जाते जो कम बोलते हैं। बोलना जितना जरूरी है इतना बोलना ही चाहिए। मूंगू रहू और मौन रहू एम बहु फर्क है। मूंगा रहे नहीं मीठा हो, मौन रहे वो साधक होता है। मौन रहना परमात्मा का प्रागट्य का परिचय है। दूसरा, मौन हो, घटनाएं घटती हो आम सामने चारों ओर, लेकिन मन मुदीत हो, समझना हरि ज्यादा प्रकट हुआ है। मन की मुदीता बनी रहे, योग शास्त्र का शब्द है मुदिता, भगवान पतंजलि ने दिया है, तुलसी ने बहुत उदारता से उपयोग किया है, मुदिता मथे विचार मथानी ऐसा कहकर। और तीसरा, मुस्कुराहट। आदमी के चेहरे पर, राजेंद्र सिंह जी बोलते थे मुस्कुराकर बोलते, कभी ऐसे हो जाते थे, कभी ऐसे हो जाते थे, कभी कूदते थे, कभी कोई, और हमारे गुप्ता साहब बोल रहे थे मुस्कुरा कर, सब मुस्कुरा कर बोलते हैं, मारे कहीं बगाड़बू नहीं हुए, जाने का वक्त। लेकिन मुस्कुराहट परमात्मा का एक परिचय है। मुझे
यात्रा में एक दो दिन पहले कुछ भाई लोग कह रहे, नहीं मुंबई में कोई भाई लोग कह रहे थे कि आजकल जो पूंजीपति हैं, धनपति हैं, जो 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 हैं, संपन्न है, ये बड़े बड़े गंभीर हो गए हैं, बिल्कुल सीरियस रहते हैं, कभी मुस्कुराते नहीं, खबर नहीं क्या क्या टेंशन है। मैंने कहा इसके साथ हमारा क्या लेना देना, वो ऐसा रहे न रहे, लेकिन धर्म जगत को देखो ना कितना सीरियस रहता है धर्म जगत। मुस्कुराहट जरूरी है। तो मैं तो मौन ज्यादा रखने वाला आदमी हूं, बोलने पर बहुत बोलता हूं, जरूरी हो वो सब बोलता हूं, फिर भी आज मुझे आखिर में थोड़ा कहने की बात आई। तो बीज बुद्ध कहते हैं सद्भावना बीज है, ये बीज हम सबके पास है। कल एक परिवार, दो दिन पहले एक परिवार भावनगर से तलगाजड़ आ रहा था, उसकी गाड़ी में 5-6 लोग थे और गाड़ी एक गाय से टकरा गई और गाय मर गई और वो बेचारे बच गए बाल बाल सब। तो बड़ी ग्लानी लेकर मेरे पास आए कि बापू ऐसा हो गया, गाय मर गई। तो मैंने कहा फिर आपने क्या किया? बोले एक दलित, एक हरिजन बंधु जो इस मरे हुए को ढो जाते हैं, वो आया, उसने कहा कि आप चिंता मत करो, हम उसको विधि कर देंगे। तो उस लोगों ने, जो गाड़ी वाले थे, सब बच गए प्रभु की कृपा से। गाय ने शायद इनको बचा लिया, अपना बलिदान दे दिया, कौन जानता है यहाँ क्या हो रहा है। तो उसने 200 रुपया उस हरिजन बंधु को, इस दलित भाई को दिया। तो उसने लिया फिर वापस दिया कि आप कहाँ जा रहे? बोले मुरारी बापू के पास। तो बोले बापू को दे देना। साहेब ये कहाँ से आया, इस किस शास्त्र से ये विचार आया, कौन उसको पढ़ाने गया? एक रोड पर बनी आकस्मिक घटना से निकला हुआ ये सद्भाव। उसने कहा बापू तो लेंगे नहीं। तो नहीं, ना ले तो कोई नहीं, बापू जैसा कहे ऐसा करो। बाकी मैं नहीं ले सकता, वो पैसे लेकर मेरे पास आए, मुझे 200 रुपये देने लगे, बड़े ग्लानी से भरे थे। मैंने कहा मैं तो बिना देखे इस दलित को पहले प्रणाम करूं, नहीं तेरे पास गुजराती में बोलू रुपयो कोई छोड़े, कूतरा ने नोट नाको तो सूंघे, 5 वक्त सूंघे अने जतो रहे। दिल्ली थी लेन बदे कोई नोटो ने सूंघतू नथी साहेब, आप परिस्थिति में हम हैं। घटना छोटी है लेकिन सद्भावना का बीज है वहां। चाचा माणावदर के पास एक गांव, वहां के मुस्लिम भाई लोग मेरे पास आए और हिंदू भाई भी आए, नगिन बापा साक्षी है, मेरे पास आए, कहे कि हमने एक मस्जिद बनवाई है, एक दरगाह भी है और उसका हमने जीर्णोद्धार किया है, आप उद्घाटन करने आएंगे? मैंने कहा मस्जिद का उद्घाटन आप मेरे से करवाएं, ये मेरे लिए आनंद की बात है, लेकिन आपको तकलीफ होगी तो, आपके लोग, आपकी विचारधारा आपको कष्ट में डालेगी तो ज्यादा मुझे दुख होगा, बाकी मैं तो राजी हूं, मेरा कतई भेदभाव नहीं। बोले नहीं बापू, हम पूरा गांव निर्णय करके आए, आपको आना जब आपको समय हो, लेकिन आप आए। मैंने वादा किया कि मैं आऊंगा, मुझे क्या तकलीफ होगी, यानी उसकी मैं चिंता नहीं करता हूं, आपको मेरे कारण तकलीफ न होनी होगी। तो उसने कहा कि हमें कोई तकलीफ नहीं साहेब। मैंने कहा कि वो आप भोजन कर लो। तो
एक मुस्लिम चाचा बोला, ये बनी घटना साहब, मुझे कहे बाबू हम भोजन बाद में करेंगे, पहले आपके रामजी मंदिर में हम दर्शन कराए। मैंने कहा अभी मैं उसकी मस्जिद में जाऊं इससे पहले ये आदमी मंदिर में चला गया। ये है सद्भावना बीज। अबीज, ये बीज विदेश से आयात नहीं करने होते, ये बीज इस देश की भीगी भूमि में शताब्दियों से युगाब्दियों से पड़े हैं। फिर तो मैं गया और गजब घटना तो ये थी कि वहां का धर्म गुरु, मैं जाऊं इससे पहले, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, अरुण भाई मेरे जाने से पहले बगल में शिव मंदिर है, वहां दो ब्राह्मण रुद्री के मंत्र बोल रहे हैं और ये मुस्लिम धर्म गुरु शिव जी को जल चढ़ा रहा है। ये है सद्भाव। भाषण बहुत पीछे रह जाते हैं, चर्चाएं बहुत पीछे रह जाती है, एक करने वाले बहुत आगे निकल जाते। मैंने यहां बुलाए थे कि आप यहां आइए सद्भावना पर्व, मैं आपका परिचय कराऊंगा तो लोग भी राजी होंगे और हम एक बात समाज में रख देंगे। लेकिन वहां भी बारिश बहुत हुई तो बावणी या कुछ ऐसा पत्र भी लेकर एक संदेश वहां का आया। मैं कहता हूं ये बीज है, गुप्ता साहब मैं मेरे गांव में बैठता हूं, कई लोग मिलने आते हैं, एक दलित आदमी जिसका नीचे का वस्त्र फटा हुआ था, पीछे का ये नहीं था, खुला था, आया लकड़ी लेकर खड़ा था। तो मैंने दिलावर को कहा कि दादा को कुछ कहना लगता है तो बुला लो, तो उसको मेरे पास बुलाया। वो देहातों में जैसे उभड़क बैठा हुआ, उभड़क मारे सामने बैसी गए बेटा। मैंने कहा दादा भोजन किया? बोले हाँ बापू भोजन किया। आपको कुछ कहना है मुझे? अपनी संकोच कही। बोले आपको क्या कहें? फिर उसने अपना भाव व्यक्त किया, ये बात भी लगा छोड़ो, लेकिन एक बात जो उसने कही वो सद्भावना बीज है। मैंने स्वाभाविक कहा कि दादा मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूं, मुझे कोई मौका मिल सकता है कि मैं आपकी कोई सेवा करूं? क्या जवाब दिया है इस आदमी ने? मैं आयाचक हूं, ऐसा विशेषण लगाना आसान है, आयाचक आचरण बहुत दुर्लभ है। उसने मुझे कहा, उसको चाहिए था कुछ अवश्य, उसने कहा गुजराती में कीधु, चपटी आपसो तो धराई जाइश, वधारे आपसो तो उभराई जाइश, निर्णय तमे करो। चपटी दोगे तो मैं भर जाऊंगा, बस संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन यदि ज्यादा दिया तो मैं सह नहीं पाऊंगा, मैं उभर जाऊ। सद्भावना बीज है मेरे भाई बहन, अपने पास असली देशी बीज है भारत के पास, सद्भावना का, जो बुद्ध देव ने कहा है। लेकिन बीज के लिए चाहिए फलद्रूप जमीन, बीज के लिए चाहिए समय पर यथा योग्य सिंचाई, बीज के लिए चाहिए खाद, बीज के लिए चाहिए तूफानी पशु, पनपे हुए बीजों को, अंकुरित हुए पौधों को बिगाड़ न दे, उखाड़ न दे, चर न जाए, इसलिए सुरक्षित वाड़ बीज के लिए चाहिए। और ये सब होते हुए भी कभी कभी क्या है, जमीन फलद्रूप हो, सिंचाई समय पर हो, बीज अच्छा हो, पानी समय पर दिया जा रहा है, बाढ़ भी, सूरज की रोशनी भी दी जा रही है, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो ऊपर से आते हैं, जो बाढ़ बाढ़ किसको मानते नहीं, हमारे गामडाओं में टीड आवे जो ऊपर से आवे,
तब गांव के लोग एक मचान बनाता है, एक माचड़ो बनावे, एना ऊपर बैसे, नाना नाना पत्थर राखे, गुफंड राखे अने बैठो बैठो त्यांथी ई पक्ष। सद्भावना के बीज की फलद्रुप भूमि कौन, कहां बोएंगे इस बीज को हम? मेरी समझ में, मेरी व्यक्तिगत धारणा है, आपको कबूल करने की कोई जरूरत नहीं, आए हमें कौन कबूल करे। कोयल कोई दिवस नहीं इच्छती कि मन कोई सांभळतू नहीं, सांभळतू नहीं, पण एनी बोल्या ज करे, बोल्या ज करे, बोल्या ज करे, आपणो कर्तव्य। बहन कल पीड़ा व्यक्त कर रही थी कि बापू ये 500 रुपया और ये को लोग पढ़ते नहीं इतनी महत्व की, और उसके सामने एक बड़ा इज्म वाला पुस्तक आपने नाम दिया। मैं समझता हूं कि कलम का इतना निरादर क्यों, मेरा बस चले इस देश में तो शस्त्र पूजा बंद करवा दूं और घुंघरू सितार कलम पीछे फावड़ा उसकी पूजा करवाना शुरू कर दो, शस्त्र पूजा बंद हो इस देश में, हिंसा आतंक मारना ये सब क्या है। चाचा जी मैंने महुआ की तकरीर में एक बार कहा था कि करबला में जो मरे इसमें मारने वाला कोई हिंदू नहीं आया था, और कुरुक्षेत्र में मरे उसमें कोई मुस्लिम नहीं आया था, अपने अपने ने मारा है, क्यों अब मरते हो? वहां कोई नहीं गया था, कोई हिंदू का बच्चा थोड़ा गया था करबला में, जो 72 लोगों ने शहीदी ली उन्हीं के लोग थे, और कुरुक्षेत्र में वो थोड़े आए थे, अपने ही थे। ठीक विनोबा जी कहते हैं युद्ध दो धर्मों के बीच कभी नहीं हो सकता, दो धर्मों के बीच ही हो सकता है। फलद्रूप जमीन चाहिए, वो है सद्भावना के बीज को ठीक से बोने के लिए भूमि चाहिए, सद्बुद्धि। बुद्धि के तीन स्तर है, राजसी तामसी सात्विक। स्वार्थ रखकर हम कुछ काम करें तो ये बुद्धि सद्बुद्धि नहीं है, राजसी बुद्धि है। सद्भावना के बीज को जितनी फसल आनी चाहिए फसल में कटौती कर देगी। यदि हम अपना काम हो गया, हमारा हो गया, हमारी बात, सद्बुद्धि की भूमि न हो तो चाहिए सद्भूमि की, सद्बुद्धि की भूमि। लेकिन खाद बहुत जरूरी है, नहीं वो विदेशी, विदेशी नहीं, देशी खाद, अपने यहां जो गोबर से प्राप्त हो ये खाद है। ये खाद है, ऐसी छोटी बड़ी शिविरें करके इसके निष्णात अनुभव और जो इनमें उतरे हैं ऐसे लोगों के विचारों को एकत्रित करके हर जगह पहुंचाना, एक खाद डालना है। अच्छा प्रश्न पूछा गया गुप्ता साहब को कि आप जो ये कह रहे हैं वो पहुंचाने की व्यवस्था आखिरी आदमी तक ये पहुंचता है, और आपने कहा कि अभी तक तो ये नहीं हो पा रहा, लेकिन ये पहुंचाना, ये सब विचार इस देश का। वेद तो कहता है हमें दसों दिशाओं से शुभ विचार प्राप्त हो, ये खाद है। सद्भावना का बीज और गति से पनपेगा, और जूठी गति से नहीं, धीरज वाली गति। आपने कहा धीरे धीरे होने दो, जल्दी उसको बड़ा नहीं करना है। कबीर साहब का एक दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा लेकिन ऋतु आए फल होए। एक साथ 100 घड़े पानी दे दो लेकिन फल तो रुत आती है, तभी आता है धीरे धीरे। उपनिषद निर्वाण उपनिषद का एक सूत्र है, धैर्य कंथा, ऐ साधक धैर्य तेरी गुदड़ी है, धैर्य तेरी कंथा है। तो ये विचार जी यहां इकट्ठी सब सब
देशी खाद ले लेकर यहां आते हैं, उसको हमें एकत्रित करना है और सद्बुद्धि की भूमि में ये सब खाद डालना है, सद्भावना के बीज को बोना है। चाहिए जल, संवेदना का पानी होना चाहिए, बिना संवेदना। कल बहन बोल रही थी, वर्षा बहन, कल राजेंद्र जी बोल रहे थे, साहब कोई कोई बात पर सबकी आंखें गीली नहीं हो रही थी, संवेदना का जल चाहिए। और ये संवेदना चलचित्री संवेदना नहीं होनी चाहिए, पर्दे वाली नहीं होनी चाहिए, बेनकाब। दो चार दिन पहले अहमदाबाद का एक चित्र आपने देखा होगा, मेरे पास मुझे भेजा गया एक चित्र। उस दिन मैं खा नहीं सका, खाना जरूर पड़ा, मैंने खाऊं तो कोई नहीं खाएगा, सबको लगेगा कि आज क्या हो गया, इसलिए मैंने खाया, लेकिन मेरा न खाने बराबर। एक इतनी धूप में फुटपाथ पर एक दुकान की सीढ़ी है, सीढ़ी पर एक लड़का, करीब चित्र से अंदाज करता हूं तो 5 साल का एक लड़का, ऊपर का शर्ट नहीं है, धुल दुसरीत देह है, और उसका छोटा भाई शायद 3 साल का होगा, उसको अपने सीने से लगाकर कंधे पर हाथ रखकर दोनों भाई इतनी कड़ी धूप में भूखे सोए हैं। हम नहीं चाहते कि दृश्य हमको दिखाई दे ज्यादा और संवेदना प्रकटे, नहीं, संवेदना की गंगा हमें यहां से नहीं प्रकटानी है। भगवान करे इन दृश्यों से, इन मंजरों से खुदा हमें बचाए। लेकिन संवेदना कहां? बहन भी कल कह रही थी कि अखबार खोलो और ये सब, लेकिन उसमें अपने कोई नहीं है, इसलिए चलो गए, कोई स्वजन होता तो। जल है संवेदना, दूसरों के प्रति न रखो तो कोई नहीं, आपस आपस के अंदर अंदर तो रखो, एक दूसरे के प्रति हमारी संवेदना हो। रंग अवधूत कहते थे परस्पर देवो भव, उसका मंत्र था परस्पर देवो, संवेदना जल है। अब ये सब हो लेकिन वाड़ न हो तो, हाँ तमाकू की खेती हो तो वाड़नी जरूर नहीं, एवं मैं सांभळ्युं छे कि तमाकू की खेती ज्यां ज्यां गुजरात में एनो वाड़नी जरूर नहीं, कारण के तमाकू गधेड़ा पण खाता नथी, आवुं मैं સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સાધુ પાસેથી સાંભળ્યું, એટલે મારે એનું કંઈ બીજું નથી કંઈ કહેવું। વાડ કરીએ છીએ આપણે, સદભાવના બીજ કો પૂરી માત્રા મેં વિસ્તરિત હોને કે લીએ વાડ ચાહીએ। મેં ખાસ શબ્દ યુઝ કરૂંગા, સદસંયમ, સદસંયમ, सच्चा संयम, नकली नहीं। अभी मैं 2 दिन द्वारका गया तो हमारे संन्यास आश्रम वाले स्वामी जी केशवानंद जी महाराज तो सुबह 7 बजे मिलने आ गए, तो मेरे साथ जो भाई लोग थे उसने कहा कि भाई बापू तो 9-10 बजे मिलेंगे, तो उसने चाय पिया, नाश्ता किया कि शाम को आऊंगा, तो क्या शाम को आए, ये रात को आए। तो उसने कहा बापू मैं आया था लेकिन आप तो पूजा पाठ में थे, आप साधना में थे तो मैं मिलने। मैंने कहा स्वामी जी एक खुलासा करूं, मैं साधना में नहीं था, मैं 8:30 तक सोया था। इस सहज संयम है, दंभ नहीं, અમારા માટે આવું બધું બધા એમ જ માને, બાપુ તો 3:30 જ ઉઠતા હશે, પણ શું કામ ઉઠું, મારે કરવું છે, અને મારી સલાહ છે કે તમે ઉઠતા નહીં, તૂટી જાતા નહીં, કારણ વગરના 3:30 ઉઠ્યા છે ને એને કાંઈ દેખાણું નથી, ઉલટાનું કામ કરતા વખતે ઊંઘ આવે છે, એટલે યાર રહેવા દે,
और इस देश में बहुत चलता है, इसमें प्रतिष्ठा है। मैंने खुलासा करना पड़ा, मैं सोया था स्वामी जी, मुझे कहा 9 बजे व्यासपीठ पर कथा करने जानी थी, मैं फ्री हूँ अभी, तो 2 घंटे के बाद मेरा नित्य कर्म करता हूँ, मैं आराम से सोया था, ये आपकी भ्रांति है, वरना मैं अपने को बचा सकता था, एक सन्यासी से अहोभाव प्राप्त कर सका कि नहीं नहीं स्वामी जी, मैं तो 3 बजे जाग गया था, लेकिन पथारी में ध्यान कर रहा था, फिर योगा कर रहा था, फिर कपाल भारती कर रहा था, फिर कुछ कर रहा था, फिर कुछ खाक। और ये क्यों लोग मेरे पास आते हैं, पूरी दुनिया घूमता हूँ रामकथा के, लोग जो जल्दी उठ जाते हैं उसकी बहुत चर्चा करते हैं कि फला साधक 3:30 बजे जागे, मेरा प्रणाम, मैं कोई विरोध नहीं, 4:30 बजे जागते, 5 बजे जागते, मैं प्रार्थना करता हूँ 3:30 बजे जाग जाए उसकी वाह वाह हो, लेकिन 2 बजे तक हरिस्मरण में जो सो नहीं पाता उसका क्या, उसका भी कुछ नोंद लो, कि जो रात के अंधेरे में जो प्रभु की याद में अथवा तो समाज की याद में संवेदना के कारण मेरे राष्ट्र में क्या को हो रहा इसके चिंतन में जो डूब जाता उसके जागरण का कोई मूल्य नहीं, लेकिन देश में ऐसा चलता है। अभी एक हमारे भाई कह रहे थे, मावे भाई कह रहे कि एक महाराज मिले, उसने किसी ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, बोले उम्र का तो कौन गिने, लेकिन भगवान रामदेव पीर ने जब रणुजा में पोकरण में समाधि ली तब मैं मिट्टी डाल रहा था, लो बोलो हाथ करो, सहज संयम इस सद्भावना बीज की वाड़ है, सहज लादे हुए नियम नहीं, नियम ऊपर से आते हैं, संयम सहज अंदर से उत्पन्न होता है, प्रत्येक नियम ऊपर से आते हैं, लादा जा रहा संयम अंदर से आते हैं। एक छोटी लड़की को अब फ्रॉक पहना हो, 3 साल की बेटी हो, फ्रॉक पहना हो और उसका गौठन से नीचे का भाग खुला है, उसको कोई चिंता नहीं है बेटी को, इसी 3 साल की बेटी को आप जन्माष्टमी के अवसर पर चोली चनिया पहना दो, और चोली वही लड़की 2 दिन के बाद इतना परिवर्तन करो, और चनिया पहनाने के बाद फिर कोई उसका चनिया उनके पैर से 1 इंच भी ऊंचा करेगा तो तुरंत पैर ढांक, इसको कहते हैं स्वयं संयम, वहां नियम नहीं है। सद्भावना बीज की फसल अच्छी मात्रा में आएगी जब सद संयम होगा। लेकिन कठिनाई ये है कि ये सब जुड़ जाएं, लेकिन ऊपर से जो पक्षी आए उसका क्या करें। उर्दू में एक गजल है, आसमां से उतारा गया है और जिंदगी दे के मारा गया है, ऊपर से आए कीड़ा आए जो पाक को नुकसान करे, तब हमारे गांव में जो एक मचान बनाया जाता है वहां कोई बैठता है। मेरे भाई बहन, मैं तो मेरे विचार रजू करूं, सद्भावना की फसल को पकाने के लिए कोई उड़ करके बाधक तत्व हमारी सद्भावना की खेती को छिन्न भिन्न न कर दे, उड़ते तत्व इसमें समझ लेना, कोई कुछ कहे, कोई कुछ प्रलोभन दे, कोई इधर से आए, कोई बड़े बड़े लोग आए, कोई ये करें, कोई हेलीकॉप्टर से आए, कोई प्लेन से आए, ये सब उड़ते पंखी हैं, वो कहीं हमारी सद्भावना की खेती को बिगाड़ न दे, तब क्या करना, तब आप जिसको मानते हो अल्लाह ईश्वर निराकार साकार अथवा तो किसी को न मानो, इस अस्तित्व को जो मुझे कोई मैं वो करना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल खुला हूं, मैंने मुस्लिम तकरीर में कहा था इस बार की तकरीर में कि मैं मेरी व्यासपीठ से अली मौला का कीर्तन 1 लाख लोगों के मुख से करवाता हूं, क्या मुझे तकलीफ नहीं होती होगी, सनातन धर्म के आचार्य नाराज भी होते होंगे, लेकिन प्रभु कृपा की कोई नाराजगी नहीं पेश करते, लेकिन मुझे
अंदर से तो पता है कि कई लोग नाराज होते कि व्यासपीठ से हिंदू धर्म की चर्चा में अली मौला का कीर्तन क्यों, जैसे हरि बोल वैसे अली मौला में कराता हूं। मैंने मौलाना साहब को बहुत विनय से कहा कि आप एक बार तो अपनी तकरीर में रघुपति राघव राजा राम बुला तो दो साहब, साहस करना होगा, केवल प्रवचन से नहीं चलेगा। तुम एक दूसरे के बीच में द्वेष रखो, तुम्हारा स्वार्थ साधने का मात्र इरादा हो और सद्भावना के नाम पर किसी के प्रति जो आदर पैदा न हो तो हम क्या करेंगे। गांधी जी का एक वाक्य है साहब कि विचार जब परिपक्व होता है तब उसको व्यक्त करने की जरूरत नहीं पड़ती, विचार अपने आप काम करता है। अरुणाचलम के कोने में बैठा महर्षि रमण, उसके विचार व्यक्त तो किए जरूर उसने ग्रंथ, लेकिन परिपक्व विचार अपने आप अभिव्यक्त होने लगा। एक किरण है मारो जीवन, मारी वाणी, मारो संदेश। तो कोई परम तत्व उसको जरा ऊपर बिठाया जाए कि जो ऊपर से आने वाली बाधाओं को वो रोके, जरूरत होती उसकी। यहां हिंदुस्तान की, राष्ट्र की, विश्व की कई प्रकार की चर्चाएं हुई, अब दुनिया को छोड़ो, लेकिन हिंदुस्तान में क्या हुआ। मैं न भूलता हूं तो गुलजारी लाल नंदा साहब ने जब गृह मंत्री थे, या तो शायद गुलजारी लाल नंदा साहब ने संसद में एक शेर कोट किया था गुप्ता साहब कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, इतिहास की आंखों ने देश पर हुई हुआ जुल्म आतंक ना समझी मूढ़ता, ये देखा है जिला है, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, निष्कर्ष लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। खता 2 मिनट में हुई थी, गलत निर्णय 2 लम्हों में लिया गया था और 60-60 साल हिंदुस्तान सजा भोग रहा है। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, इस राज को क्या समझें साहिल के तमाशाही, जो किनारे छपछपिया करे इन्हें इस रहस्य नो खबर नहीं पड़े शायद, इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाही, हम डूब के जाने हैं सागर तेरी गहराई, हे समुद्र हमने मर्म जाना है तुझे डूब कर, तुझे आत्मसात करके। कोई ऐसा परम तत्व आप उसको स्वीकारे कि न स्वीकारे, आप खुद को ऐसा समझो, खुद को खुदा समझो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। शिवो हम हमारी विचारधारा का सूत्र है, अहम ब्रह्मास्मि हम छाती पीट कर कह सकते हैं और जगह कहना मुश्किल है। कोई चाहिए श्रद्धा का मचान जो हमें ऊपरी अवरोधों से मुक्त रखे, तो बीज हमारे पास है जो बुद्ध देव ने कहा, इस बीज के ऊपर मुझे जो कुछ समझ में आया, मैं कोशिश करता हूँ, प्रमाणिक कोशिश करता हूँ, सबसे प्रमाणिक डिस्टेंस रखकर मैं प्रमाणिक प्रयत्न मेरी जागृति के लिए कर रहा हूँ। मेरी व्यासपीठ यही सद्भावना का काम इतनी सालों से कर रही है कि सब जुड़े सब मिले, ये न हो। यहां सुनता हूं तो कुछ और प्रेरणा मिलती है, उसको मैं प्रसाद बना लेता हूं और फिर बांटता हूं, मेरी बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और आखिर में बहुत अच्छा लगा। सबने अपने अनुभव कहे और दिखता था कि ये केवल वाग विलास नहीं था, एक कर्तव्य विलास था, वाग विलास नहीं था, ये केवल वाग पुष्पिता नहीं थी,
कर्तव्य, सब इसीलिए इतना इन्वॉल्व होकर बोल रहे थे। वरना क्या होता है, दो पंक्ति में मासूम गाजियाबादी का एक शेर कह के मेरी बात पूरी करूं, इस शेर को याद रखना, उसे किसने इजाजत दी, उसे किसने इजाजत दी गुलों से बात करने की, छोटे छोटे गुल। आपने कहा नहीं कि हम बच्चों से शुरू करें, हम बच्चों से ही भेद कर रहे हैं कि पानी लाए तो बेटा नहीं लाए, बेटी लाए। उसे किसने इजाजत दी गुलों से बात करने की, सलीका तक नहीं जिनको चमन में पाँव रखने का। जिस आदमी को चमन में कैसे पाँव रखा जाए इतना विवेक नहीं है, ऐसे अनाधारी को, अनाधिकारी को किसने ये अधिकार दे दिया कि छोटे छोटे गुलों से बात करने लगे। मेरे भाई बहन, हम सलीका सीखें।